हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यू पी एस हिंदी कैसे हैं आप लोग और मध्यकालीन भारत जो सतीश चंद्र का ओल्ड एन है वो हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम और उसमें मैंने आप लोगों को राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार राजवंशों के बारे में उनके संघर्ष को जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में और उसके बाद में चोल साम्राज्य के बारे में राजराज प्रथम के बारे में राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ठीक है ना तो भाई जिन लोगों को ये सेशन नहीं अटेंड किया हो देखना हो राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार वाला चोल साम्राज्य वाला तो वो एक मैराथन सेशन था तो वो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर आज हमारा आगे का जो सेशन है मध्यकालीन भारत का इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर में जो संघर्ष हुआ था और ये काल था ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी का वही समय जब भारत में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो हम लोग महमूद गजनबी और उसके आक्रमण के बारे में ठीक है उसके साम्राज्य के बारे में इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसका अगला भाग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे गौरी वाला चलिए तो स्टार्ट करें सभी लोगों को नमस्कार और अनकेडमी के साथ आप लोग पता ही है कि अपनी तैयारी जो है यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का तो जो लोग अपने लिए एक पर्सनल कोच चाहते हैं जो लगातार उनके लिए जो है काम करें उनको गाइड करें उनके आंसर्स चेक करें उनको पूरा के पूरा मेन्टोर करें साथ साथ में उनका प्लान बनाए स्टडी को लेकर एग्जाम को लेकर तो वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नाइन्टी का है और जैसे ही आप वहाँ सी के एल आई वी रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तो टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और आपको दो साल का सब्सक्रिप्शन एटी नाइन थाउजेंड में अवेलेबल होगा एक साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिक्सटी फोर थाउजेंड का है और जैसे ही सी के एल रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ भी सत्तावन हज़ार छः सौ आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो ये आइकॉनिक हो गया नॉर्मल रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन वैसा के वैसा ही आपको अवेलेबल होगा अभी भी थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में मिल रहा है तो जो लोग लेने की सोच रहे हैं एडमिशन जल्दी ले लें क्योंकि अभी भी वो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का है एक साल का और दो साल का सब्सक्रिप्शन आपका फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का सी के एल आई वी रेफल कोड यूज़ करने के बाद जो लोग डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ हंड्रेड प्लस एजुकेटर्स के साथ प्री मेंस की तैयारी ऑप्शनल की तैयारी घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शनल का जो अमाउंट लिया जाता है बड़े बड़े शहरों में दिल्ली या ऐसे शहरों में फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड नॉर्मल होता है तो यहाँ आपको चालीस पचास हज़ार रुपये में पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी ठीक है ना तो ये आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है और मैं तो खेद आपको हिस्ट्री जियोग्राफ़ी पेपर वन में पढ़ाता हूँ पेपर टू में पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया आई आर पढ़ा है पेपर फोर में एथिक्स पढ़ाऊंगा ठीक है ऐसे इंटरव्यू पी एस आई आर ऑप्शनल हिंदी साहित्य तो जिन लोगों का हिंदी साहित्य है पी एस आई आर है वो सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए और बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको इसमें अवेलेबल होगा जैसे मेरा पर्सनल गाइडेंस स्वयं मैं खुद आपसे बात करता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ आपके आंसर्स चेक करता हूँ आपको मेंटोर करता हूँ गाइड करता हूँ और नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाता हूँ तो हमारा था आज का जो चैप्टर है वो है संघर्ष का युग संघर्ष का युग 1000 हज़ार ईस्वी से 1200 सौ ईस्वी के लगभग मतलब 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में भारत में किस प्रकार का दौर रहा है और हम बात करेंगे तुर्क आक्रमणकारियों की भारत में महमूद गजनवी एक बदनाम शासक माना जाता है क्योंकि वो भारत में जब भी आया लूटपाट करने के लिए मंदिरों को तोड़ने के लिए लेकिन जो इलाका है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का वहाँ पर एक वो बड़ा अच्छा राजा माना जाता है उसकी बड़ी अच्छी छवि है एक ऐसा राजा जिसने धर्म की रक्षा के लिए ठीक है बहुत प्रयत्न किए तो महमूद गजनवी के बारे में हम लोग बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बेस बना देता हूँ बेस मतलब कि क्या हुआ था कैसे महमूद गजनवी राजा बना किन परिस्थितियों में महमूद राजा बना और कैसे भारत पर उसने आक्रमण किया इसको हम लोगों को समझना है तो 1000 से लेकर तो 1200 सौ ईस्वी का जो काल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ठीक है ये पश्चिम एशिया के साथ साथ मध्य एशिया और उत्तर भारत में भी परिवर्तन का काल था एक ऐसा समय जब पश्चिम एशिया में भी परिवर्तन हुए मध्य एशिया में परिवर्तन हुए तुर्क जनजाति को लेकर खासकर और उत्तर भारत में भी परिवर्तन यहां पर हुए क्योंकि कमजोर हो रहा था यहाँ का पूरा के पूरा इलाका इन्हीं परिवर्तनों ने इस काल में अंत में तुर्कों के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त किया तो तुर्क भारत में क्यों आए तुर्कों ने भारत पर आक्रमण क्यों किए हाँ एंशियंट इंडिया कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपका जिन जिन भाई बंधुओं ने अभी तक रामशरण शर्मा का कंप्लीट सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा आपको एंशिएंट मिल जाएगा और अभी हम मध्यकालीन कर रहे हैं तो हम लोग मध्यकाल शुरू किए हैं जस्ट ज़्यादा आप लोगों का छूटा नहीं है है ना तो इसको आप बने रहिएगा तो आपका मध्यकाल भी हो जाएगा तो ये दो परिवर्तन थे इन्हीं परिवर्तनों के कारण भारत में तुर्क जो है वो आक्रमण करने के लिए ठीक है आए और उनका रास्ता साफ हुआ कैसे देखो नौवीं शताब्दी के अंत तक अब्बासी खिलाफत वो उसका पतन हो चुका था उसका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया और इन राज्यों पर तुर्कों का शासन स्थापित तो तुर्क जो है ये नौवीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे थे और इन्होंने क्या किया था अब्बासी खिलाफत की जगह पर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था पहले तुर्क जनजाति इस्लामी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया हम आएंगे गजनवी तक कैसे कैसे गजनवी का उदय हुआ तो नवी शताब्दी में यही तुर्क अब्बासी साम्राज्य में क्या थे सैनिक थे मतलब तुर्कों की शुरुआत कहाँ से हुई ये जो तुर्क थे ना ये पहले एक सैनिक थे बस क्या थे ये एक सैनिक थे और सैनिक के होने के नाते इनका वही काम था क्या महल की रक्षा करना ठीक है पेशेवर सैनिकों के रूप में सेवा देना यही करने के लिए आए थे पर धीरे धीरे ये तुर्क सैनिक शक्तिशाली हो गए धीरे धीरे ये इतने शक्तिशाली हो गए कि राजा की नियुक्ति मतलब कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा इस पर भी इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा लिया ये शक्ति अर्जित कर ली तो धीरे धीरे तुर्कों का प्रभाव जो था उस इलाके में बढ़ने लगा ठीक है आगे समझे केंद्रीय सरकार की शक्ति क्या हो रही थी समाप्त हो रही थी कम हो रही थी धीरे धीरे तो प्रांतीय शासकों ने वहां पर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया फिर भी उन सफल सरदारों को जो किसी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाते थे तो खलीफा जो है वो जो आपको पता है खलीफा कौन होता था मुस्लिमों का धर्मगुरु तो मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा के द्वारा औपचारिक रूप से उसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती मतलब सेनापतियों का सेनापति अमीरों का अमीर ये उपाधि उस सरदार को उस शासक को दे दी जाती थी तो अगर मान लो कि कोई सरदार ज़्यादा शक्तिशाली हो गया ज़्यादा उसके पास जो है अधिकार आ गया स्वतंत्रता ज़्यादा हो गई तो उसको खलीफा उपाधि दे देते थे कौन सी उपाधि अमीर उल उमरा मतलब अमीरों का अमीर यहीं से हम देखेंगे कि महमूद का उदय कैसे हुआ तो धीरे धीरे ये तर्क जो तुर्क है ये तुर्क जनजाति कहीं ना कहीं इन्होंने इस्लाम को अपना लिया और धीरे धीरे ये इस्लाम के रक्षक बन गए इस्लाम के धर्म की रक्षा भी करने लगे ठीक है इसके बाद ये जो तुर्क है ये तुर्क जनजाति ये इतनी सफल क्यों हुई इनके लगातार आक्रमण पेशावर की राजसत्ता के पलटने और अयोग्य राजाओं को इन्होंने निसंकोच गद्दी से उतारा विभिन्न क्षेत्रों और मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसमें इन्होंने फायदा उठाया क्योंकि वही अशांति और अस्थिरता इनके उदय का कारण बनी एक एक करके साम्राज्य स्थापित होते चले गए और उनका पतन भी होता चला गया तो धीरे 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 उस काल में उस इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ था ये जो तुर्क कबीले थे ये अपने साथ लूटपाट की प्रथा को लेकर आए जैसे भारत में गजनवी भी आया तो जब भी आया आक्रमण किया और लूट के ले गया बहुत सारी चीज़ें तो ये लूटपाट की प्रथा को लेकर आए इनकी मुख्य युद्ध प्रणाली क्या थी जो इनको सफल बनाती थी तेजी से आगे बढ़ना और पीछे हट जाना ये तुर्क युद्ध पद्धति मानी जाती है जिसमें कि इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि बहुत तेजी से आगे बढ़ के और हमला करके पीछे हट जाना बिजली की गति से छापा मारना ठीक है और छिटपुट ढंग से उभरने वाले दलों पर आक्रमण करना तो अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी टुकड़ी सेना इनके हाथ लग जाती तो ये उसका सफाया कर देते थे इतनी बिजली की तेजी से आक्रमण करते थे कि सामने वाले को समझने का मौका भी नहीं मिलता और तुरंत पीछे हट जाते थे ये जो था ये इनका एक तरीका था तुर्कों का और इसी तरीके की वजह से ये इतने ज़्यादा सफल हो रहे थे लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि उस समय उत्तर भारत में या पाकिस्तान अफग़ानिस्तान के इन इलाकों में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी ठीक है ना? और इसका फ़ायदा इन लोगों को मिला किसको तुर्कों को ये दोनों कार्य इसलिए आसानी से समपन संपन्न कर पाते थे क्योंकि इनके पास में बहुत बढ़िया अच्छी कैटेगरी के श्रेणी के नस्ल के घोड़े नस होते थे तो अपने उत्तम श्रेणी के घोड़ों के दम पर बिजली की गति से ये छापा मार सकते थे तेजी से आगे बढ़ सकते थे ठीक है ये स्वयं साहसी थे ये लोग घोड़ों पर लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते थे ये हम बात कर रहे हैं तुर्कों के बारे में हाँ आप में से कई लोगों को एक डाउट होगा हिंदी लिटरेचर जो हमारा शुरू होने वाला था बिल्कुल सही आज से शुरू होने वाला था लेकिन चार अक्टूबर को आपका एग्जाम है तो इसलिए हम दो चार दिन और डिले कर रहे हैं ताकि प्रीलिम्स का एम वाला सीरीज चलता रहे तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा एम वाला सीरीज की फिर हमको जरूरत नहीं रहेगी ना तो हम हमारा दूसरा सेशन हिंदी लिटरेचर का कर लेंगे ठीक है अब क्लियर जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा चार तारीख को उसके बाद पाँच तारीख से मैं हिंदी शुरू कर दूंगा ठीक है भाई क्लियर हिंदी अभी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है तो अभी हिंदी लिटरेचर शुरू करके इतना फ़ायदा नहीं है इसके लिए बस दो चार दिन आप और रुक जाइए जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा हम हिंदी लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर यहां हम भारत की बात करें तो भारत में गुर्जर प्रतिहार की बात की थी याद है आपको जिसके शासक मिहिर भोज के बारे में मैंने बताया था आपको जिन्होंने पाल और राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई की थी तो उस काल में जो ये गुर्जर प्रतिहार थे ठीक है गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य भी दिन प्रतिदिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कमजोर होता जा रहा था छिन्न भिन्न होता जा रहा था इसी कारण उत्तर भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता और, और संघर्ष पैदा हुआ हमने देखा कि जब 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 कोई बड़ी शक्ति का अभाव रहा हमारे पश्चिमी पश्चिमोत्तर इलाके में तब तब हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया बहुत सारे लोगों ने क्या किया हमारे देश पर आक्रमण करके लूटपाट मचाई तो राजनीतिक अस्थिरता पैदे पैदा हुई थी गुर्जर प्रतिहारों के पतन की वजह से इस संघर्ष वाली स्थिति का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रामक और विस्तारवादी ये तुर्क धीरे धीरे आगे बढ़े और इनके उदय की ओर ध्यान देने का किसी को मौका भी नहीं मिला तो एक ऐसा समय आया कि जब भारत में राजनीतिक रूप से अस्थिरता बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती है और इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से तुर्कों को मौका मिल गया क्योंकि तुर्क धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे थे अपने राज्यों के विस्तार की अपने उदय की जो है कोशिश कर रहे थे और इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया यहाँ पे हम बात करेंगे गजनवी के बारे में महमूद के बारे में इतिहास में ये बहुत सम्मानित जो है शासक माना जाता है मुसलमानों के दृष्टिकोण से खास करके मैंने आपको बताया अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में क्योंकि ये वो शासक था जिसने की धर्म की रक्षा की ठीक है और धर्म की रक्षा के लिए इसने युद्ध किए तो कहां से आया ये गजनबी? कहां से इसका उदय हुआ नौवीं शताब्दी के अंत तक जो ट्रांस ऑक्सियाना का खुरासान और ईरान का कुछ भाग था वहां पर कौन सा शासक था सामानी शासक तो ये वो इलाका था जहां पर पहले सामानियों का राज्य था सामानी राजवंश का तो ये सामारी राजवंश या सामानी जो शासक थे जो मूलतः ईरानी थे इन्हीं के इन्हीं की जगह पर गजनवी साम्राज्य का उदय हुआ था तो ये जो सामानी थे इनको तुर्की जनजातियों से लगातार युद्ध करना पड़ता था तुर्क जनजाति लगातार आक्रमण करके युद्ध करके ठीक है इनके साथ में जो है संघर्ष करती रहती थी और इसी युद्ध के दौरान ये एक नए प्रकार के योद्धा है गाजी आपने ये शब्द सुना होगा गाजी ये गाजी कौन था दरअसल ये एक सैनिक ही था लेकिन ये नियमित सैनिक नहीं था अनियमित सैनिक था ये गाजी जो था ये एक प्रकार का सैनिक था लेकिन अनियमित सैनिक था जो हमेशा सेना में नहीं रहता था लेकिन इसका मुख्य काम था ठीक है इसका मुख्य काम क्या था जस्ट मिनट ठीक है तो ये एक नए प्रकार के योद्धाओं का जो है जन्म यहाँ से होता है तुर्कों में और ये था गाजी ये गाजी क्या करता था ये सैनिक था लेकिन अनियमित सैनिक था वह नियमित रूप से सेना में नहीं था इसका मेन काम था कि जब जब भी इस प्रकार का कोई धार्मिक रूप से या ऐसा कोई हमला हो जिससे धर्म को खतरा हो तो ये क्या करने लगा वहां पर शिरकत करने लगा ठीक है तो गाजी एक ऐसे सैनिकों को बोला जाता है जो सैनिक होने के साथ साथ राज्य का तो रक्षक है ही वो धर्म का भी रक्षक है जो धर्म को धर्म को बचा रहा है तो धार्मिक रूप से इनका महत्व जो है धीरे धीरे गाजियों का बढ़ता चला गया अधिकतर तुर्क प्राकृतिक शक्तियों के पुजारी थे और मुसलमान इन्हें काफिर मानते थे धर्म विरोधी इन्हें माना जाता था क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों के पुजारी थे तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली तुर्की जनजातियाँ आखिर में इस्लाम की सबसे बड़ी रक्षक और योद्धा बन गई तो जब उन्होंने इस्लाम को कई सारे तुर्की जनजातियों ने अपना लिया तो वो इस्लाम की बहुत बड़ी क्या हो गई रक्षक बन बैठी और धीरे धीरे ये एक धार्मिक योद्धा के रूप में उधर गए इसीलिए हम गजनबी की बात करते हैं तो महमूद गजनबी को इतना ज्यादा क्यों माना जाता है क्योंकि उसे इस्लाम का रक्षक बोला गया है उसने दूसरे धार्मिक या जिन्हें काफिर कहा जाता था काफिरों से इस्लाम राज्य की और इस्लाम धर्म की दोनों की रक्षा की बात समझ में आई आपको तो भारत में तो ऐसा कोई इसका इमेज है नहीं खास भारत में तो ये बदनाम है लुटेरे के रूप में जाना जाता है लेकिन दूसरे जो दूसरा हमारा ये आप देखेंगे कि इलाका है जैसे मैंने बताया आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका यहाँ पर यह एक बड़ा योद्धा माना जाता है ठीक है तो ये एक योद्धा के रूप में उभर कर आए लेकिन इस्लाम की रक्षा के साथ साथ ही लूटपाट भी वो करते रहे तो एक तरफ तो इस्लाम की रक्षा भी कर रहे थे और दूसरी तरफ जो तुर्क जनजातियों का शुरू से मेन काम था लूटपाट करना तो इन गाजियों को वेतन नहीं मिलता था इनको लूटपाट से जो पैसा मिल जाया करता था बस ये उसी से अपना काम चलाते थे समझ में आया लूट करके लूट मार करके जो पैसा मिलता था वही गाजियों का था मतलब ये कोई सैनिक नहीं थे जिन्हें वेतन दिया जाता था हां ये समय आने पर लड़ते थे रक्षा करते थे लेकिन ये सैनिक नहीं थे और लूट ये करते रहते थे तो ये धीरे धीरे क्या बन गए बहुत बड़े योद्धा बन गए और सामान्य राज्य जो था उस समय बताया उन्हीं के शासक में एक था अलक्तगी यहां से आप जो है एक तुर्क गुलाम था जो सामान्य राज्य के अंतर्गत आता था इसने आगे चलकर अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया तो शुरुआत मैंने बताया कि पहले सामानी राज्य था और सामानी राज्य का एक तुर्क गुलाम क्योंकि धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ रहा था ये धर्म के रक्षक के रूप में धार्मिक योद्धा के रूप में लगातार बढ़ते जा रहे थे तो एक तुर्क गुलाम था जिसका नाम था अलप्तगीन अलप्तगीन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली इसके बाद में सुभुक्त गीन आया और गीन का जो बेटा था महमूद उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया उसने ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया ठीक है आगे समझो इस स्वतंत्र राज्य की राजधानी थी गजनी गजनी कहा है गजनी दरअसल अफगानिस्तान ठीक है ये इनके शासन का केंद्र था अफग़ानिस्तान और अफग़ानिस्तान में एक छोटा सा छोटा सा शहर या कस्बा टाइप था गजनी जिसको बाद में एक विशाल जो है राज्य बना दिया गया गजनी इसकी राजधानी थी सामानी साम्राज्य का तो अंत हो गया जल्दी ही और फिर उसके बाद गजनी का सूरज चमका और गजनी के शासकों ने मध्य एशिया की जनजातियों से इस्लामिक क्षेत्रों की रक्षा करने का भार संभाल लिया ये था मेन जो बात थी कि इन्होंने इस्लाम के रक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया तो धीरे धीरे ये मध्य एशिया की जनजातियों से इस्लाम के रक्षा करने की तो ये प्रकार से क्षेत्र की भी और धर्म की भी दोनों की रक्षा करने लगे ऐसी ही परिस्थिति में महमूद इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन 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 का उत्तराधिकार था महमूद इसने लगभग 33 चौंतीस साल तक शासन किया और यह अपने पिता के बाद में गद्दी पर बैठा था मध्ययुगीन इतिहासकारों ने मध्य एशिया के जनजातीय आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष करने के कारण इसको इस्लाम का प्रथम सरदार माना है ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया की जनजातिया थी जो इस्लामिक नहीं थी उनसे इस्लाम धर्म की रक्षा करना उनसे आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करना ये सब महमूद ने किया इसीलिए इसको इस्लाम का प्रथम सरदार माना जाता है अब हमारे यहाँ तो मैंने आपको कहा कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान में आप देखें कि एक मिसाइल भी है गजनी तो पाकिस्तान ने तो मिसाइल तक का नाम भी इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये एक सम्मानित माना जाता है उस इलाके में लेकिन ये बात भी है कि जिस काल में गजनी का उदय हुआ तब भारत में पाकिस्तान के उस इलाके में पेशावर और अफगानिस्तान तक वहाँ मुल्तान तक हमारे ही हिंदू शाही राजवंश का शासन था तो जिस समय गजनी का उदय हो रहा था उस समय हमारे यहाँ एक शाही राजवंश था जिसके राजा थे जयपाल ठीक है ये नाम आपको याद होगा जयपाल ये शाही राजवंश के राजा थे जयपाल ने देखा जब धीरे धीरे गजनी का विस्तार होते हुए धीरे धीरे महमूद का उदय होते हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि ये अच्छा नहीं है गजनी का या महमूद का उदय भारत के लिए अच्छा नहीं है मतलब उनके राज्य के लिए उस पूरे इलाके के लिए ये इन्होंने समझा था और जयपाल ने गजनी के साथ युद्ध भी लड़ा लेकिन वो हार गए इसके बाद इनका बेटा आया आनंदपाल उसने भी महमूद के साथ युद्ध लड़ा वो भी हारा लेकिन जयपाल और आनंदपाल ने अपने उस इलाके की गजनी से रक्षा करने की बहुत कोशिश की बहुत प्रयास किया कौन सा राजवंश था हिंदू शाही राजवंश था ठीक है क्लियर तो धीरे धीरे ये महमूद जो है ये क्या बन गया इस्लाम का पहला सरदार माना गया इसके शासन काल में गाजी भावना और सुदृढ़ हो गई ये गाजी भावना ही तो मैं आपको समझा रहा हूं सबसे जो बड़ी चीज है इस पूरे मामले में वो ये गाजी वाली बात गाजी वाली बात का मतलब है धर्म के लिए मरमिट जाना मतलब आपका बलिदान हो जाए तो भी मर जाओ लेकिन धर्म पर आँच नहीं आनी चाहिए तो धर्म की रक्षा करते करते ये गाजी जो है कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे इसलिए इतने सफल हो गए क्योंकि जब बात धर्म की आती थी तो ये कुछ भी कर जाते थे इसीलिए गाजियों का इतना महत्व धीरे 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 बढ़ता चला गया और महमूद के काल में तो ये भावना और आगे बढ़ी ठीक है तो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं सामानी साम्राज्य की बात कर रहे थे सामानी साम्राज्य था उसने फारसी भाषा को और साहित्य को प्रोत्साहित किया था और आपने फिरदोसी का नाम सुना होगा फिरदोसी जिसने शाहनामा लिखा हुआ है ठीक है तो फिरदोसी ने ईरानी पुनर्जागरण के ऊपर एक बहुत बढ़िया ग्रंथ शाहनामा लिखा हुआ है फिरदोसी कृत शाहनामा ये गजनी का दरबारी कवि था दरअसल महमूद गजनी ने फिरदोसी से कहा था कि आप एक ऐसा साहित्य लिखो जिसमें ईरानियों के सारे जो है बहुत सारे शासकों के बारे में सब वर्णन ऑथेंटिक हो तो उसने बहुत सालों तक मेहनत की ऐसा माना जाता है कि मेहनत करने के बाद जब उसने लिखा और लिखने के बाद जब वो 27 सालों तक 27 सालों तक फिरदोसी लिखता रहा और लिखने के बाद जब वो गजनी के सामने आया तो महमूद अपनी बात से पलट गया उसने उसको मना कर दिया जो देने की बात हुई थी उससे तो वो उसको भला बुरा बोलते हुआ वहाँ से चला गया बाद में महमूद को गलती का एहसास हुआ और उसने उसको मुद्राएं भेजी फिरदोसी को लेकिन फिरदोसी मर चुका था उसका जनाजा निकल रहा था जब उसकी मुद्राएं उसके पास पहुंची और उसकी बेटी ने भी वो मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया तो ये सारी चीज़ें फिरदोसी से जुड़ी हुई जिसने शाहनामा लिखा हुआ है ये ईरानी पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है ठीक है फिरदोसी महमूद के दरबार का प्रमुख कवि था इसने ईरान और तुरान के मध्य हुए युद्ध का काल्पनिक वर्णन किया है और ईरानी वीरों का गुणगान किया आगे चलते हैं महमूद के बारे में कहा जाता है कि महमूद ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किया ठीक है महमूद गजनबी ने भारत पर कुल सत्रह बार आक्रमण किया और इसमें जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा गजनीवी को मिला वो इसका सोलवा आक्रमण था तो टोटल महमूद गजनवी ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किए माना जाता है और जब भी आया उसने भारत में मंदिरों को तोड़ा मूर्तियों को तोड़ा अपने साथ मूर्तियां लेकर गया उनकी ठीक है बहुत ज़्यादा हम कहें कि नीचा दिखाने के लिए बहुत प्रकार की गलत हरकतें की और इस प्रकार से बहुत सारा पैसा भी भारत से ले गया तो महमूद ने ईरानियों के सांस्कृतिक और इस्लामी राज्य की तुर्की जनजातियों के आक्रमण से रक्षा की तो इसलिए वहाँ पर वो हीरो है लेकिन भारत में इसकी जो छवि है वो एक लुटेरे की और मंदिर विध्वंसक के रूप में है मतलब हमारे यहाँ ये मंदिरों को तोड़ने वाला लुटेरा इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता मैंने आपसे कहा कि महमूद गजनबी को लेकर दो प्रकार की बातें वो एक कैसा भी योद्धा रहा हो लेकिन भारत में उसकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं ठीक है क्योंकि उसने तोड़ दिया हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिरों को कई सारे धन संपत्तियों को लेकर चला गया कहा जाता है कि अपने राज्य में यहाँ की कई सारी मूर्तियों को तो उसने सीढ़ियों पर रखवा दिया था ताकि वो पैरों तले रों जाए इतने घिनौनी हरकत के बाद भारत में तो उसको कोई अच्छा वीर नहीं मानेगा ठीक है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में वो एक हीरो के तौर पर जाना जाता है वो इस्लाम के कारण तो ये एक मंदिर विध्वंसक और लुटेरे के रूप में भारत में माना जाता है कहा जाता है कि इसने भारत पर सत्रह आक्रमण किए जो मैंने अभी आपको बताया था ठीक है सत्रह बार इसने भारत पर आक्रमण किए बुद्ध शिकन के रूप में बुद्ध शिकन बुद्ध शिकन बोलते हैं या मूर्ति भंजक मूर्तियों को तोड़ने वाला है ना इस्लाम में चूंकि आपको पता है कि मूर्ति पूजा सही नहीं मानी जाती तो इसलिए ये मूर्तियों को तोड़ देता था इसलिए इसको बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया तो इसमें भारत पर सत्रह आक्रमण किए थे प्रारंभिक आक्रमण हिंदू राज्यों के विरुद्ध किया गया था जिनका आधिपत्य उन दिनों पेशावर और पंजाब पर था तो मैंने बताया उस काल में इस इलाकों में एक राजवंश था जिसका नाम था हिंदू शाही, शाही राजवंश का शासन था और इसके राजा कौन थे जयपाल तो यहां पर आप देखो कि उन दिनों पाकिस्तान के पेशावर पंजाब मुल्तान तक ठीक है उस समय एक हिंदू राजशाही हिंदु शाही राजवंश का जयपाल का शासक था उसने दूसरे संप्रदाय के मुल्तानी मुसलमान शासकों के विरुद्ध भी संघर्ष किया था जिनका वो घोर विरोधी था तो जयपाल से इसने युद्ध लड़ा था चलिए आगे चलते हैं हिंदू राज्यों के राजा गजनवियों के विरुद्ध महमूद के पिता से ही युद्ध करते चले आ रहे थे हिंदू राजाओं का साम्राज्य मैंने बताया आपको पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक उस काल में फैला हुआ था गजनी की बुनियाद पर एक स्वतंत्र राज्य का उदय हिंदू राज्यों के लिए खतरा था मैंने अभी बताया जयपाल ने समझा कि यदि एक स्वतंत्र राज्य इस प्रकार का गाजियों का बन गया तो वह बिल्कुल भी हिंदू राज्यों के लिए अच्छा नहीं है सामान्य शासन काल में गजनी के भूतपूर्व प्रांतीय शासक के पुत्र से संधि करके हिंदू राजा जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया तो उस खतरे को भापते हुए राजा जयपाल ने गजनी के विरुद्ध अपना अभियान चलाया उन्होंने लड़ाई भी की ठीक है तो गजनी पर जयपाल ने आक्रमण किया लेकिन जयपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो जयपाल थे शाही राजवंश वाले राजा उन्होंने इसके खतरे को देखते हुए इसको पहले ही रोकने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने जो सामानी शासन था जो गजनी के पहले कौन सा था सामानी और सामानियों से संधि भी कर ली तो जयपाल ने सामानियों के साथ संधि करके रोकने की कोशिश की गजनी को लेकिन वो हार गए जयपाल को हार का मुंह देखना पड़ा गद्दी पर आने के बाद महमूद ने हिंदू राज्य और राजाओं के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया उसने आक्रमण किया युद्ध होने पर मुल्तान के मुसलमान शासकों ने जयपाल का साथ दिया एक हजार एक सन एक हजार एक में जयपाल को पराजित करके बंदी बना लिया तो राजा जयपाल जो है पहले उन्होंने आक्रमण किया लेकिन वो हार गए फिर महमूद गजनी ने इनके ऊपर आक्रमण किया 1001 में और राजा जयपाल को उसने पराजित करके बंदी बना लिया बाद में जयपाल को छोड़ भी किया गया लेकिन अपमान राजा जयपाल को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ जब वो हार गए उन्हें बंदी बनाया गया फिर छोड़ दिया गया तो छोड़ने के बाद भी अपने अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया तो भाई जयपाल ने अंततः क्या कर लिया आत्मदाह कर लिया अपने आप को मार दिया और उसके बाद में उनका पुत्र आनंद पाल ये इनका उत्तराधिकारी बना आनंद पाल के बाद त्रिलोचन पाल बने थे तो ये एक शाही राजवंश जो उस समय था उस इलाके में जिसका शासन पंजाब कश्मीर पेशावर मुल्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था क्लियर है चलो तो यह हो गया यह हो गया संघर्ष सन 1008-1009 में हिंदू राज्य की राजधानी ठीक है वह हिंद में महमूद और आनंदपाल के बीच तो पिता के बाद में पुत्र ने आनंदपाल ने भी युद्ध लड़ा महमूद के खिलाफ पर यह भी हार गए जयपाल भी हार गए और जयपाल के बाद में उनका पुत्र आनंदपाल ये यह भी हार गए ऐसा प्रतीत होता है कि कन्नौज और राजस्थान के राजाओं के सहित उत्तर पश्चिमी भारत के अनेक राजकुमारों ने इस युद्ध में भाग लिया था मुल्तान के मुसलमान बादशाह भी आनंदपाल के साथ थे उन्होंने भी सहायता की फिर भी आनंदपाल हार गया यद्यपि भारतीय सेनाएं संख्या में अधिक थी और पंजाब की बहादुर युद्धप्रिय जनजाति खोखर भी इसमें शामिल थी फिर भी घुड़सवार धनुर्धरों के बल पर महमूद जीत गया मतलब उसके पास ऐसे धनुर्धारी थे जो घोड़े पर बैठकर जो है वार करते थे समझ में आया तो घोड़े पर बैठकर जो घुड़सवार धनुर्धर थे उनके दम पर महमूद ने जीत हासिल की वो जीत गया और इस प्रकार से जयपाल के बाद में पुत्र आनंदपाल एक और कथा भी चलती है ऐसा बोला जाता है कि आनंदपाल जीतने की स्थिति में थे वो जीतने वाले थे पर अंतिम समय में उनके हाथ ही मदमस्त हो गए और इस कारण से उनको हार का मुंह देखना पड़ा ऐसा भी बोला जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर जयपाल के बाद में आनंदपाल भी गजनी से हार गया तो महमूद जो है भारतीय राजाओं को अपने विरुद्ध संगठित होने का कोई मौका नहीं देना चाहता था कोई दलबंदी का अवसर नहीं देना चाहता था मतलब उसे पता था कि अगर ये सब मिलकर एक हो जाए उसके खिलाफ ठीक है अगर मान लो कि वो एक हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, तो फिर इसको सही जो है नहीं रहेगा इसके लिए अच्छा तो इसीलिए इसने कोई मौका नहीं दिया इनको एक होने का भारत में लूटमार और मध्य एशिया में युद्ध जो है वो लगातार बारी बारी से करता रहा भारत में लूटपाट के लिए उसे गाजी सैनिकों का मुक्त सहयोग मिला तो जिन गाजियों की बात हम कर रहे थे जो गाजी सैनिक धर्म के लिए लड़ते थे उनका भी इसको सहयोग मिला इस्लाम के गौरव के लिए उसने भी अपने आप को एक महान बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक के रूप में प्रस्तुत किया ये मैंने अभी बताया था आपको अभी मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप को एक महान संरक्षक बताता था इस्लाम का और इसीलिए ये बताने के लिए अब देखिए कोई शासक लूटपाट करने आया उसने लूटा वो समझ में आता है लेकिन मूर्तियों को क्यों तोड़ रहा है मूर्तियों को क्यों तोड़ रहा है मूर्तियों के साथ क्यों गलत व्यवहार कर रहा है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि वो अपने आप को इस्लाम का संरक्षक घोषित करना चाहता है बताना चाहता है कि वो इस्लाम की रक्षा करने वाला है इनसे क्योंकि वो जो लोग इस्लाम नहीं मानते थे इनको काफिर कहा जाता था तो काफिरों से धर्म की रक्षा करने वाला अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया महमूद ने ठीक है तो महमूद गज ने भी धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा पंजाब से महमूद ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र नगरकोट और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में थानेश्वर है उस पर भी आक्रमण किया उसने 1018 और 1025 में कन्नौज और गुजरात पर आक्रमण किया तो जो गुजरात का 1025 हज़ार ईस्वी का आक्रमण था सोमनाथ पर ऐसा बोला जाता है कि महमूद गजनी जो है वो सोमनाथ में जो अथा धन संपत्ति वैभव था क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने दान वगैरह दिया हुआ था तो महमूद जो था वो सोमनाथ को देख के लल चाहता था वो सोमनाथ पर आक्रमण करना चाहता था लेकिन उस इलाके के राजाओं से डरता था तो कहा जाता है कि 25 सालों तक उसने सोमनाथ विजय की तैयारी की ऐसा माना जाता है उसने क्या किया उसने सोमनाथ तक आने के रास्तों पर धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू किया उसके जो इलाके थे वहाँ पर अपने सामंतों को बैठाना शुरू किया तो पहले उसने उस पूरे रास्ते को जीता जिस रास्ते से वो सोमनाथ पर आना चाहता था तो ये आप सुनेंगे इतिहास में कि 25-26 सालों तक महमूद ने सोमनाथ के आक्रमण की तैयारी की और जब उसको लगा कि अब पूरा रास्ता क्लियर है मैं आक्रमण कर सकता हूँ तब उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया और ये उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है अब ये सही है कि गलत है ये हमें नहीं पता लेकिन ऐसा कई लोगों का मानना है कि उसने सोमनाथ विजय की तैयारी बहुत सालों तक की और पहले उस पूरे रास्ते पर अपना जो है कब्जा किया जहां से वो सोमनाथ तक आ सकता था क्योंकि रास्ते में वो नहीं चाहता था कि कहीं भी कोई दिक्कत उसको सामना करना पड़े और फिर भी जब वो सोमनाथ पर आक्रमण किया और यहां से जा रहा था तो बीच में कई जनजातियों ने जाट और इन्होंने उसको लूटा बाद में उसका सत्रहवा आक्रमण इन्हीं के ऊपर हुआ ठीक है तो ये इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है कन्नौज के विरुद्ध अभियान में मथुरा और कन्नौज दोनों जगह पर लूटपाट मचाई उसने दोनों जगह को लूटा और अपार समृद्धि के साथ बुंदेलखंड में कालिंजर होते हुए लौटा ठीक है और वो ये सब कुछ कर पाया इतनी बार भारत पर आक्रमण करके जीत पाया वो तो उसका सही कारण यही था वो सब ये क्यों कर पाया क्योंकि उस समय भारत में उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व नहीं था जैसे मौर्य गुप्त और इनके बारे में हम बात करते हैं ऐसा कोई बड़ा शासक ऐसा कोई बड़ा राजा हमारे पास उस समय था ही नहीं और प्रतिहार वंश भी पतन हो चुका था हमने देखा पाल प्रतिहार तो इनका भी धीरे धीरे पतन हो रहा था तो कहीं ना कहीं भारत में उस समय एक बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से इसका फ़ायदा गजनवी ने उठाया हम कई लोग कहते हैं कि वो महान शासक था तो हमें लगता है कि वो महान शासक था या नहीं था लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस काल में उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं था लेकर उस काल में कोई ऐसा बड़ा राजा इस इलाके में होता तब पता चलता कि महमूद महान था कि नहीं था वो शक्तिशाली था कि नहीं था लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं ठीक है तो उत्तर भारत उस काल में किसी शक्तिशाली राजवंश के अधीन नहीं था और यही कारण रहा कि जब जब कोई बड़ी शक्ति आई उसका फायदा क्या होता है कि बड़ी शक्ति के आने से एक राजनीतिक एकता स्थापित होती और जब भी कोई ऐसी शक्तिशाली स्थिति नहीं होती तो छोटे छोटे राज्य होते हैं जो आपस में बटे होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं संघर्ष कर रहे होते हैं और जब ये ऐसे लड़ रहे होते हैं तो इनकी फूट का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है जब सिकंदर आया था तब भारत में नंदवंश का शासन था लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में तो कोई नहीं था तब तो पोरस और राम भी छोटे छोटे राजा थे लेकिन बाद में जब मौर्य आ गए और उन्होंने वो इलाका जीत लिया तो फिर वहाँ कोई आक्रमण नहीं हुआ उन्होंने बचा लिया ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी काम आएगी कि भारत की जो राजनीतिक रूप से समय समय पर कमज़ोरी रही है और उस दुर्बलता का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया ठीक है ना यहां पर एक ऐसी शक्ति का होना जरूरी था और नहीं होने का सीधा सीधा फायदा यह उठाया किसने गजनवी ने। मार्ग में किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना किए बिना देखो ये भी सारी चीजें वही जो मैं बोल रहा हूं उसको रास्ते में ऐसा कोई बड़ा प्रतिरोध ही नहीं मिला वो मुल्तान से राजपूताना को पार करते हुए सोमनाथ के मंदिर तक आया और मैंने ये बताया आपको कि इसके लिए उसने तैयारी की थी तो वो सोमनाथ पर जब आया एक में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वो मुल्तान से राजपूताना को पार करते हुए सोमनाथ के मंदिर पर पहुंचा जो अपार धन राशि के लिए विख्यात था बहुत धन संपत्ति और वैभव था उसमें ठीक है क्लियर है तो ये ऐसे करके सोमनाथ के मंदिर तक आया भारत में पंजाब के बाहर ये उसका अंतिम अभियान था ये सोलवा आक्रमण था ठीक है ये सोलवा आक्रमण माना जाता है ठीक है समझ में आ रहा है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो महान था कि नहीं था मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या उसके बारे में विचार है जो दूसरे हमारे इलाके के हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके वहाँ पर वो महान माना जाता है भारत में उसकी छवि अच्छी नहीं है और देखो कोई भी चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो कोई अगर शासक मस्जिद तोड़ेगा तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता कोई मंदिर तोड़ेगा तो वो भी अच्छा नहीं हो सकता तो अगर आप ऐसी हरकत करते हो तो आपको महान नहीं मान सकते वो व्यक्ति महान महान कौन होता है जो धार्मिक रूप से सहिष्णु होता है जो किसी धर्म विशेष के लिए कट्टरता अपनाता है दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करता है दूसरे धर्म के लोगों को लूटता है वो महान नहीं होता इतिहास में महान अशोक को कहा गया अशोक को महान क्यों कहा गया उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए उसकी शांति की नीति के लिए तो ऐसे लोगों को महान कहा जाता है मैंने ये नहीं बोला कि वो महान है या नहीं मैं बता रहा हूँ कि विचार जो है भारत में उसको लेकर अच्छे विचार नहीं क्योंकि जब भी आया लूटमार करके गया कभी कोई भारत में अच्छा काम तो नहीं करके गया और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा किसी भी धर्म का किसी भी के धर्म का व्यक्ति अगर लूट मार करता है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा ये आप भी जानते हो अकबर को महान कहा गया कई लोग अकबर को महान मानते क्यों क्योंकि उसने भी वही सहिष्णुता की नीति को अपनाया तो ये धर्म से नहीं चलता कई सारे लोगों को गलत फहमी हो रही है कि वो मुसलमान था इसलिए ऐसा बोला जा रहा है ऐसा नहीं है वो किसी भी धर्म का हो लेकिन अगर कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं होगा तो महान कैसे बनेगा कोई व्यक्ति अगर लूटपाट करेगा लूटमार करेगा तो महान हो सकता है क्या आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या हम देखते हैं कि उसका धर्म कौन सा है गलत तो गलत है ना हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है कोई भी धर्म का है मर्डर करता है चोरी करता है गलत तो गलत होता है तो ये लूटमार करता था इस कारण से छवि अच्छी नहीं है न कि मुसलमान था इसलिए छवि अच्छी नहीं है इसका धर्म से लेना देना नहीं इसका अपनी आदतों से हरकतों से लेना देना तो आप लूटपाट करोगे तो कभी भी अच्छे नहीं माने जाओगे तो ये पंजाब के बाहर उसका अंतिम अभियान था 1030 में उसकी गजनी में मृत्यु हुई तो कुल मिला इसका उदय मैंने आपको बताया कि ये तुर्क गुलाम था और धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया शक्ति को बढ़ाया और सुबुक्त जो अलप्तगीन था उसने गजनी का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और गजनी का स्वतंत्र राज्य धीरे धीरे विस्तार किया किसने महमूद ने यह सुबुक्त गीन का उत्तराधिकारी था इसने ईरान पर भी विस्तार किया और भारत पर भी आक्रमण किए समय समय पर और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की आगे चलते हैं अब बात करते हैं राजपूत राज्य के बारे में इस काल में राजपूत राज्यों के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जब प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हो गया ना उसके बाद में उत्तर भारत में कुछ नए राजपूत राज्यों का उदय हुआ कुछ नए राजपूत राज्यों का जन्म हम देखते हैं इन राजपूतों की खास बात क्या थी ये हम देखेंगे इनमें कन्नौज के गहड़वाल मालवा के परमार और अजमेर के चौहान ये सबसे प्रसिद्ध है अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो ये वो काल है जिसे रासो साहित्य का काल माना जाता है आदि काल ये वीरता का काल है वीरता से जुड़ा हुआ ये मामला तो राजपूत राज्यों का जो उदय हुआ था उस समय हमारे यहाँ रासो साहित्य दिखाई देता है ठीक है अजमेर के चौहान को आप जानते ही पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना ही होगा आपने तो ये वही राजपूत राज्य था ठीक है उन दिनों तो गहडवाल कन्नौज में गहडवाल मालवा में परमार जिसके हम बात करते भोज भोज राजा भोज वो परमार वंशीय था और अजमेर के चौहान ये सबसे प्रसिद्ध राजपूत राज्य हैं उस काल के उन दिनों कुछ अन्य छोटे राजवंश भी थे जो भारत के विभिन्न भागों में थे जैसे जबलपुर के निकट कल्चूरी वंश के बारे में सुना होगा आपने कल्चूरी जिनकी राजधानी त्रिपुरी थी कल्चूरी वंश बुंदेलखंड में चंदेल वंश ये खजुराहो के मंदिर वाले हैं जिन्होंने खजुराहो में मंदिर बनवाए ना खजुराहो के मंदिर पूरे विश्व में फेमस हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए तो खजुराहो के चंदेल गुजरात के चालुक्य और दिल्ली के तोमर ये कुछ प्रसिद्ध छोटे छोटे तो ये राजपूत राज्यों का जन्म हम देखते हैं इस काल में मेरी बात समझ में ही आपको राजपूत राज्यों में उन दिनों बड़े तौर पर गहड़वाल परमार और चौहान ये तीन तो आपको पता ही है गहड़वाल परमार और चौहान कुछ छोटे वंश भी हैं जैसे मैंने बताया कलचुरी चंदेल चालुक्य और तोमर छोटे छोटे राजवंश हुआ करते तो ये राजपूत राज्यों का यहाँ से उदय हुआ बड़ी बात क्या थी कि ये युद्ध का काल था ये आपस में युद्ध करते रहते थे संघर्ष करते रहते थे ठीक है और उसी समय मैंने आपसे कहा ना कि एक वीरता वाला काल था और आसो साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है आपने कभी सुना होगा एक पंक्ति है फेमस कि बारह बरस कुकर जिए लो तेरह बरस सियार बरस अठारह क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार तो ये वो काल था जब युद्ध बहुत ज्यादा होते थे और क्षत्रिय हो तो मतलब युद्ध करना है युद्ध करना ही पड़ेगा आपको समझ में ही बात आपको क्या बोला गया बारह बरस कुकर जिए लो तेरह बरस सियार बरस अठारह क्षत्रिय जिए आगे जीवन को दिक्कत तो बारह साल तक कुत्ता जीता है ठीक है उसकी उम्र होती है तेरह साल सियार की होती है और अठारह साल क्षत्रिय की उम्र होती है तो ये काल था युद्ध का जिसमें बहुत ज्यादा युद्ध हुए संघर्ष हुए हम पृथ्वीराज रासो देखते हैं चंद्र बरदाई का इसके अलावा जगनिक एक बड़े कवि हुए इस काल में तो ये राजपूत राज्यों के बारे में हम बात कर रहे थे बंगाल के पाल पहले पालों का राज्य था बंगाल में मैंने बताया था आठवीं नवीं शताब्दी में तो बंगाल पालो के अधिकार में था लेकिन बाद में कन्नौज के गहड़वालों ने पालो को धीरे धीरे बिहार से बाहर कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया तो उस इलाके में जहां पहले पाल का शासन था, जहां पर पहले हम देखते हैं पालो का शासन था वहां पर अब क्या आ गया, गया गहड़वालों का शासन बनारस को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया ठीक है चौहानों ने अपने को अजमेर में स्थापित किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात और दिल्ली पंजाब तक कर लिया इस परिस्थिति में गहड़वालों के साथ में उनका संघर्ष हुआ तो गहड़वाल और चौहान इनमें आपस में संघर्ष हुआ जब दोनों की सीमाएं बढ़ी हम चौहान राजवंश की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना राज्य शुरू किया अजमेर से और अजमेर से बढ़ाते बढ़ाते ठीक है तो पंजाब और दिल्ली के आगे जब वो आगे बढ़े तो उनका गहडवालों के साथ में संघर्ष हुआ और धीरे 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 क्या हुआ धीरे-धीरे चौहान शक्तिशाली हुए उधर गहडवाल जो है उन्होंने पालों को बाहर कर दिया तो वो भी शक्तिशाली हो रहे थे तो गहडवाल और चौहान दो मैंने आपको बताया तीसरा परमार इस प्रतिद्वंद्विता के कारण गजनवियों को पंजाब से खदेड़ने के लिए राजपूत राजकों का एकजुट होना असंभव था तो यही चीज़ थी कि आपस में ये राजपूत राजा लड़ रहे थे और इनकी लड़ाई का जो फायदा है वो गजनवी ने उठाया क्योंकि उसको उस काल में रोकने वाला नहीं था कोई तो उसको रोकने के लिए इनका एकजुट होना जरूरी था पर ये एकजुट हो ही नहीं पाए वस्तुतः गजनवी उज्जैन तक भी युद्ध करने के लिए पूर्ण सक्षम थे अब देखो राजपूत समाज उस काल में राजपूत समाज के संगठन में गुण और दोष दोनों थे हर समाज में होते हैं कुछ गुण होते हैं कुछ दोष होते हैं तो राजपूत समाज में भी कुछ गुण थे और कुछ दोष थे तो गुण और दोष दोनों जो है ये आपको मिलेंगे इनमें भी पहला गुण था भाईचारा और समानतावादी भावना सबसे बड़ी बात क्या थी इनमें ये भाईचारे में विश्वास करते थे आपस में मतलब अपने कुल के लिए कुटुंब के लिए परिवार के लिए ये मरने को तैयार हो जाते थे समानतावादी भावना थी इनके अंदर ये इनकी विशेषता थी लेकिन इसी विशेषता ने इनके बीच अनुशासन कायम करना मुश्किल कर दिया क्यों क्योंकि दुश्मनी जो होती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी बात समझ में ही आपको मतलब राजपूत शासकों में ये विशेषता थी कि एक बार कोई दुश्मनी हो गई तो वह आसानी से समाप्त नहीं होती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी और इसीलिए यहाँ एकता कई बार नहीं आ पाती थी पुश्तैनी शत्रुता कई पीढ़ियों तक चलती रहती थी और इनकी ठीक है दूसरी दुर्बलता थी दलबंदी का भावना का अभाव दरअसल ऐसा माना जाता था कि वो राजपूत राजा ही क्या जिसने दशहरे के बाद कोई युद्ध ना किया हो जिसने किसी पर आक्रमण ना किया हो तो ये आपस में क्या करते थे ये आपस में जो है जाके और लड़ते थे समझ में आया आपको तो आपस में ये लड़ते रहते थे और इससे दलबंदी नहीं हो पाती थी मतलब ऐसा माना जाता देखो मैंने आपसे कहा कि बड़ी कहावतें उस काल में चलती थी ये माना जाता कि अगर आप खटिया पे पड़े पड़े मर जाओ तो आपका जो मांस है ना वो गिद्ध और कौवे भी नहीं खाएंगे लेकिन अगर आप रणभूमि में मरे तो आप अमर हो जाओगे तो रणभूमि में मरना एक श्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती थी तो ये युद्ध करते रहते थे लगातार यही मैंने बोला कि अगर आप खटिया पे पड़े पड़े मर गए तो आपको गिद्ध और कौवे भी नहीं खाएंगे आपका मांस नहीं खाएगा कोई आपकी मृत्यु बेकार है आपका जीवन बेकार है और अगर आप युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए तो अमर हो जाओ तो इस प्रकार की सोच की वजह से ये आपस में लड़ते रहते थे आक्रमण करते रहते एक दूसरे के ऊपर इस काल के अधिकांश राजपूत शासक हिंदू धर्म के समर्थक थे और उनमें से कुछ जैन धर्म के संरक्षक भी हुआ करते थे ठीक है समझ में आ रहा है आपको तो बहुत सारे बहुत सारे शासक जो है वो हिंदू धर्म के लेकिन कुछ जैन धर्म के भी संरक्षक थे इन्होंने ब्राह्मणों को मंदिरों को भारी चंदा और भूमि अनुदान दिया था ब्राह्मणों की सुविधाओं और जाति व्यवस्था की रक्षा के लिए राजपूत आगे आए उन्होंने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए कोशिशें की उन्होंने दूसरों की तुलना में ब्राह्मणों से भू राजस्व कम दर पर लिया तो वो वर्ण व्यवस्था के संरक्षक बन गए एक प्रकार से ठीक है आठवीं और श, दस आठवीं शताब्दी के बाद खास करके दसवीं और बारहवीं शताब्दी के जो काल है वो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का काल माना जाता इस काल में भारत में कई सारे ऐसे बड़े मंदिर और फेमस मंदिर बने जो आज भी हमारी विरासत है इसमें खजुराहो की मैं बता चुका हूँ आपको चंदेलों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे तो इस काल में भारत में मंदिर निर्माण में बहुत प्रगति हुई और ये जो शैली थी ये शैली थी नागर ये मंदिर नागर शैली में बने सबसे ज़्यादा जो नागर शैली के मंदिर फेमस हैं वो आपको इसी काल में मिलेंगे Clear? अब देखो ये जो नागर शैली है मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में भी बताया था कि इसकी विशेषता क्या है एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको चबूतरा कहा जाता है या मंच कहा जाता है इसके अलावा मंडप होगा ठीक है ये इस प्रकार का जहां पर जो एकत्रित होते हैं दर्शनार्थी श्रद्धालु ये मंडप कहलाता है इसके ठीक सामने गर्भगृह होता है जहाँ पर मुख्य देवता की प्रतिमा होती है उसके ऊपर ऐसा शिखर होता है ठीक है ये शिखर है और उसके ऊपर ये आमलक होता है तो ये नागर शैली है और नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है कि द्रविड़ शैली में, में विमान शैली के शिखर होते हैं एक के ऊपर एक मंजिल तल के रूप में नागर शैली में ऐसा नहीं होता नागर शैली में ऊपर से नीचे तक एक ही ऐसा एक शिखर होता है ये इस प्रकार का इस प्रकार का आपको शिखर मिलेगा लेकिन द्रविड़ शैली में वो विमान शैली में होता है समझ में आया आपको ये मैंने कई बार आपको बताया है ये है नागर शैली जो उस काल में बहुत ज्यादा चली इस शैली को नागर शैली कहकर पुकारा जाता था ये संपूर्ण भारत में थी फिर भी उत्तर और दक्षिण खास करके उत्तर भारत में ये प्रधान रूप से चली इसकी प्रमुख विशेषता क्या है मुख्य प्रतिमा के ऊपर बड़ी टेढ़ी सर्पाकार छत तो मुख्य प्रतिमा के ऊपर ये इस प्रकार की छत जिसको गर्भगृह बोला जाता था या देवल ये भी याद रखना देवल नोट कर लेना देवल का मतलब भी गर्भगृह ही ठीक है ना देवल का मतलब भी गर्भगृह मतलब इसका प्रधान कमरा वर्गाकार होता था गोल होता था वर्गाकार आमतौर पर और हर तरफ प्रक्षेप हो सकते थे प्रतिमा कक्ष मंडप से लगा मंदिर होता था और कभी कभी मंदिर ऊंची दीवारों से घिरे होते थे जिसके दरवाजे भी ऊंचे होते थे इस प्रकार के मंदिर जो है आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर जो चंदेल वंश के राजाओं ने बनाए उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर ये सब नागर शैली के प्रतिनिधि मंदिर हैं हाँ एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला था कि कल कल आर्ट एंड कल्चर का रिविजन सेशन होगा आपने जो मैराथन सेशन की डिमांड की थी कल हम लोग आर्ट एंड कल्चर का रिविजन करेंगे मैराथन सेशन होगा जो एक बजे से लेकर तो चार या पाँच तक हो सकता है तो कल आप लोग आर्ट एंड कल्चर का रिविजन सेशन जो है ज़रूर अटेंड करना जो प्री हमारा एग्जाम आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम का होगा नितिन सिंघानिया सर की जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं ठीक है नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक से जब हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है उसी का कल मैराथन सेशन होगा और मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगा हमारा जो पढ़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर है तो जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो कल एक बजे आ जाएं एक बजे से लेकर होगा शुरू ठीक है बारह बजे नहीं होगा एक बजे से चार या पाँच तक तीन या चार घंटे की हो सकती है क्लास चलिए तो ये नागर शैली का मंदिर आपने देखा देखो ये आप देख पा रहे हो कलश या आमलक बोलते हैं या आम, ये कलश है या आमलक है ये शिखर है ठीक है ये मंडप है समझ में आ गया ये गर्भगृह है इन मंदिरों की प्रचुर नक्काशी से पता चलता है कि इस काल में मूर्ति कला भी उन्नत शिखर पर थी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ इस काल में बनाई गई हमने बहुत सारे और मंदिरों का सुना होगा जैसे दिलवाड़ा के आबू के जैन मंदिर बड़े फेमस बड़े अच्छे बने हुए ठीक है इनमें से अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था जो नौवीं से तेरहवीं शताब्दी के अंत तक शासन करते रहे खजुराहो के आसपास ठीक है उड़ीसा में लिंगराज का मंदिर जो ग्यारहवीं शताब्दी में बना कोणार्क का, का सूर्य मंदिर जो तेरहवीं शताब्दी में बना ये भी स्थापत्य कला के विशेष उदाहरण हैं और सुंदर उदाहरण है हम लोगों ने जो बात की है कोणार्क का सूर्य मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं शताब्दी का ही चल रहा है तो उसी शताब्दी में उसी समय में खजुराहो के मंदिर बने लिंगराज का मंदिर बना सूर्य मंदिर कोणार्क का बना ठीक है पुरी का प्रसिद्ध मंदिर ये भी इसी काल का है इसीलिए बोला गया मंदिर स्थापत्य में चरमोत्कर्ष का काल बड़े पैमाने पर भारत में भव्य मंदिर ठीक है भव्य मंदिर जो है इस काल में बनाए गए उत्तर भारत में मथुरा बनारस दिलवाड़ा आबू का जो मंदिर है माउंट आबू पर आदि अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बने दक्षिण भारत में मंदिरों की तरह उत्तर भारत में भी मंदिरों का विस्तार मतलब मंदिर बड़े होते चले गए जैसे दक्षिण भारत में हमने देखा ना कि पहले मंदिर छोटे होते थे बाद में उसमें कई सारी संरचना आ गई पुजारी उनका निवास पूरा परिवार का निवास और भी भवन तो मंदिर एक छोटे मोटे शहर बन गए गांव बन गए वैसे ही उत्तर भारत में भी मंदिरों का विस्तार हो गया और इनके प्रांगण बड़े होने लगे मंदिर बड़े बड़े होने लगे और इसी काल में अंकोरवाट का मंदिर भी बना था अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया का खमेर साम्राज्य ने बनाया था जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसी काल में बना था याद है आपको कि नहीं कंबोडिया का अंकोरवाट का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है इसी काल में ही बना है वो भी हालांकि वो नागर शैली में नहीं है फिर भी बना तो इसी काल में था परमार राजाओं की राजधानी उज्जैन और धार मैंने आपसे कहा ना कि कौन राजा भोज राजा भोज आपने भोज मैंने बोला था ना कि दो भोज हुए इतिहास में हमारे जो भोज हैं वो दो भोज हैं एक तो मैंने आपको पिछली बार ही पढ़ा दिया था जो प्रतिहार वंश का था जिसको मिहिर भोज भी बोलते हैं और एक भोज ये है परमार वंश वाला जिनकी राजधानी उज्जैन और धार थी, ये अपने आप में खुद भी बड़ा विद्वान माना जाता है, है ना मिहिर भोज प्रतिहार वंशी मिहिर भोज और उज्जैन और धार वाला परमार वंश का राजा भोज हालांकि इसने भी कन्नौज पर शासन किया है और इसने भी कन्नौज पर शासन किया है दोनों ने कन्नौज पर शासन किया है ये बात भी सही है दोनों भोजों ने हाँ अभी आपको यह भी बता दूं कि आज तीन बजे का एमसीक्यूज क्या है अभी तीन बजे का जो एम सीरीज होगा ना थ्री पी वो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास से होगा तो जो लोग एंशियंट इंडिया करना चाहते हैं एम सीरीज आज तीन बजे प्राचीन भारत का होगा हाँ तीन बजे एंशियंट इंडिया का हम लोग करने वाले हैं अपभ्रंश और प्राकृत की अनेक रचनाएं इस क्षेत्र की भाषाओं में उपलब्ध है जैन विद्वानों का इस दिशा में योगदान भी बड़ा है और इसमें सबसे बड़ा नाम है हेमचंद्र हेमचंद्र जो थे ये संस्कृत और अपभ्रंश के बड़े कवि और लेखक माने जाते हैं इन्होंने संस्कृत में और अपभ्रंश दोनों में रचनाएं की थी ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ संस्कृत उच्च वर्ग तक सीमित हो गई और अपभ्रंश और प्राकृत का स्थान उसने ग्रहण कर लिया तो इस प्रकार से जो ये दौर था संघर्ष अभी शुरू हुआ है अगले सेशन में महम जो मोहम्मद गोरी है पृथ्वीराज चौहान है तराइन का युद्ध है जयसिंह है इसके बारे में अगले सेशन में हम बात करेंगे क्योंकि अब हम सल्तनत काल की ओर बढ़ने वाले हैं अब भारत में सल्तनत काल हम देखेंगे तो बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ से आपको आते हैं तो अगले सेशन में इसी के भाग दो में सल्तनत काल की तरफ हम यात्रा करेंगे कल आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन सेशन होगा मैराथन सेशन एक बजे से उससे पहले अभी तीन बजे मिलेंगे एम के प्राचीन भारत के सेशन में तो आप सभी लोगों को ठीक है पत समझ में आ गया होगा और जो लोग लाइक करना ना भूलें जिन्हें भी आप जितने लोग सेशन देख रहे हैं लाइक like करते जाइए लाइक like करना भूलना नहीं है जिन्हें डिसलाइक करना है उन्हें करने दीजिए उनका काम यही है पर हमारा काम है हमें अच्छा लगता है तो हम लोग लाइक ज़रूर करें ठीक है कई बार जिन्होंने देखा भी नहीं होता सेशन वो सिर्फ डिसलाइक करने के लिए आके चले जाते हैं तो कम से कम जो देख रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लाइक भी करें और सी के लाइव रेफरल कोड आपको पता ही है इस रेफ़रल कोड को यूज़ करिए जब भी आप लोग एन अकेडमी पर एडमिशन लें तो टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सारे एजुकेटर की क्लास भी मिलेगी प्लस मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा ठीक है ना तो हम लोग फिर मिलेंगे तीन बजे और तीन बजे हम मिलेंगे हमारे कौन से सेशन में एमसीक्यूज के सेशन चलिए तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद बाय लेट्स क्रैक इट